की दुकान है और यहाँ पर ग्राहक बनके ये व्यक्ति आता है और उसके बाद देखिए बड़े शातिराना तरीके से पीछे दो फोन चार्जिंग पे लगे हैं, दोनों फोन उठा लेता है, चोरी करता है, कोई बहाना लगाता है। आप देखेंगे दोनों ही जो फोन है वो उसने अपनी जेब में डाल लिए, एक ग्राहक का फोन था, एक जिनकी दुकान है दुकानदार का फोन था, दोनों पीछे चार्जिंग पे थे और बड़े शातिराना तरीके से ये जो दुकानदार है इनकी मदद करने के बहाने पीछे से आता है। गले के पीछे दो फोन चार्जिंग लगे हुए थे, दोनों को चुरा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आप देखिए सबसे पहले तो ये व्यक्ति हेलमेट पहन के आता है, लेकिन अभी तस्वीरें काफी ज्यादा स्पष्ट नजर आ रही होंगी आपको। आप देख सकते हैं यही वो व्यक्ति है, चेहरा काफी ज्यादा साफ है, यही है जो चोरी करके फरार हो जाता है। लगभग 25,000 का नुकसान ये जो दुकानदार है इनका हो जाता है। मोबाइल की दुकान है, सदर बाजार के पास ये दुकान पड़ती है और यहाँ पे ये व्यक्ति 17 जुलाई को 17 तारीख को शाम को लगभग 4:30 बजे के करीब दुकान में दाखिल होता है, बोलता है अंकल मुझे फोन लेना है। तब ये दुकानदार जो है बुजुर्ग व्यक्ति है ये सो रहे होते हैं यहाँ पे मेज पे और उनको उठाता है, बोलता है कि मुझे कैश पे फोन चाहिए, मुझे 12,000 के अंडर अंडर कोई फोन दिखा दीजिए। तो ये बोलते हैं अपने बेटे से मैं आपकी बात करा देता हूँ, जिसके बाद ये अपना फोन निकालने का प्रयास करते हैं, वो लॉकर में था, अंदर ड्रोर में था तो इनसे वो खुलता नहीं है। तो ये व्यक्ति बोलता है मैं आपकी मदद कर देता हूँ और बड़े शातिराना तरीके से मदद करने के बहाने पीछे आता है और पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मौजूद थे, यहाँ पे अंदर इनका फोन रखा हुआ था तो इनसे ये खुल नहीं रहा था। इन्होंने बोला मैं फोन निकाल के आपकी अपने बेटे से बात कराऊंगा और वो जो कस्टमर आया था उनके पास फोन था नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि पीछे यहाँ पे जैसे आज भी कई सारे फोन चार्जिंग पे लगे हैं ऐसे ही दो फोन चार्जिंग पे थे, यहाँ पे आता है इसे खोलने का प्रयास करता है, उसके बाद दोनों फोन चार्जिंग से निकाल के अपनी जेब में डालता है और फिर यहाँ पे बोलता है कि कोई बात नहीं अभी मैं चलता हूँ, मैं ATM से कैश निकलवा के आया था, आपका बेटा आएगा तो मैं फोन ले जाऊंगा। और तस्वीरें काफी ज्यादा साफ है, इसलिए हमेशा अपील करते हैं दुकानों पे खासतौर से CCTV कैमरास जरूर इंस्टॉल कराइए। अब देखिए इनको शायद पता भी नहीं चलता, इनका तो ध्यान भी बाद में गया कि दोनों ही फोन गायब हैं, इनके बेटे का फोन था जो आपको अंकल इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो उस वक्त नहीं थे, और बड़े शातिराना तरीके से बहाना देके यहाँ से चला जाता है। आप लोगों से अपील, इस व्यक्ति की तस्वीरों को इतना आगे तक पहुंचाइए जल्द से जल्द पता चल सके, इसकी पहचान हो सके आखिर कौन व्यक्ति है और क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि ऐसी चोरियों को ये व्यक्ति जो है अंजाम देते हैं, और हो सकता है कई बार इंसान की नीयत बिगड़ जाती है। तो यही अपील रहेगी कि ये व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो जल्द से जल्द आके फोन लौटा दे, गुनाह माने और ये भी कहे कि आज के बाद ऐसी चोरी को अंजाम नहीं देगा। हालांकि अंकल यहाँ पे उनसे एक बार जान लेते कब हुआ था ये चोरी, कब हुई थी? 17 को मैं अपने बेंच पे सोया हुआ था दवाई लेके, जी मैं बीमार चल रहा हूँ काफ़ी दिन से। ये लड़का बाहर से आता है हेलमेट डाल के, मेरा बेटा बाजार सामान लेने गया हुआ था, मेरे से कहने लगा बेटे उठो, मेरे को कहना अंकल उठो, मैं उठा, कहने लगा जी मैंने ना फ़ोन लेना है। मैंने कहा कितने का लेना है? कह रहा 10-12 हज़ार का लेना है। तो कहने लगा जी मेरे को मैंने कहा कैश लेना है फाइनेंस लेना है? कह रहा कैश लेना है जी। तो मैंने कहा जी ऐसा करो मैं अपना फ़ोन ढूंढता हूँ। तो इतने में मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगा, मुझे फ़ोन नहीं समझ लगा कि मेरा फ़ोन मेरा लड़का कहाँ रख गया है। तो मैंने देखा तो मेरा फ़ोन इसके अंदर पड़ा हुआ था। तो मैंने मेरे को कहने लगा क्या ढूंढ रहा? मैंने इसको पहले ये काम का बेटे आप पे फ़ोन है? कह रहा मेरे पे फ़ोन नहीं है। मैं कहा मैं आपको नंबर देता हूँ, मेरे लड़के से नंबर मिला दो। कह रहा मेरा फ़ोन बंद है। तो फिर मैंने अपना फ़ोन देखा यहाँ पड़ा तो मैं ये ताला खोलने लगा, ताला नहीं खुला। मैंने इधर से हाथ डाला गले के ऊपर से, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। तो मैंने कहा बेटे ऐसा करो मेरा फ़ोन निकाल दो। ये फ़ोन निकालने के बाद इधर गया, उसके बाद मुझे नहीं पता लगा, मेरा ध्यान इधर था नीचे, तो ये जो है फ़ोन उठा लिए इसने, मुझे पता ही नहीं लगा ये गए फ़ोन उठाए हैं। उसने फोन चोरी, फोन दो चोरी करके, एक ओप्पो का एक वीवो का जी। तो एक आपके ग्राहक का फोन था? हाँ एक ग्राहक का था, एक हमारा था जी। लगभग कितने का? लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हुआ, जो 1.5 साल पहले पुराने फोन थे। तो वो ग्राहक के फोन की भरपाई भी आपको? वो हमें करनी पड़ेगी जी। अच्छा फिर मैंने इससे ये भी कहा, मैं बेटे ऐसा जाने लगा तो मैंने कहा बेटे अपना, मैंने अपने लड़के से बात भी करवाई, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसने बात करी है जी कितने का लेना, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा बेटे अपना नंबर दे जाओ, मेरा लड़का है मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आ जाना। कहता जी मेरा नंबर बंद है। कह रहा मैं ये पास ATM है, मैं यहाँ ATM से जो है पैसे निकलवा के लाता हूँ, बस इतना कह के वो निकल गया। तो लड़का जब मेरा शाम को आया तो ये मेरे से कहने लगा पापा जी फ़ोन चले गए। मैं कहा बेटे मैं तो किसी को बैठाता ही नहीं अंदर है। कहता नहीं जी फ़ोन गया। मैं कहा बेटे अब तू ऐसा है, अब जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं देख पाएगा, तू रात को जो है वीडियो को देख लियो और उसमें पता लग जाएगा। मैं कहा मेरे सामने तो कोई आया ही नहीं। तो इसने जी रात को लगभग 10-10:30 बजे बैठ के सारी वीडियो देखी। 11 बजे मैं सो चुका था,
तो इसने मेरे को उठाया, कहता पापा जी वो लड़का आया था, मैं कहा हाँ, कहता ये आदमी है शातिर जी वो फोन ले गया। तो फिर मैंने तरीके से तो बड़े ये व्यक्ति देखा भला, आपके पास तो रोज के कई ग्राहक आते, तो देखा हुआ था ये ग्राहक? देखा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसे आया है, और इसने पहले कैमरा देखा है, उसके बाद इसने फोन देखा चार्जिंग पे कितने फोन है, कैमरे पे थी, फिर तो यहां थी जी। वो ना वो उस व्यक्ति ने सारे कैमरे देखे, वो सीधा भी नहीं गया व्यक्ति, वो आधे रास्ते से मुड़ गया ताकि मोटरसाइकिल का नंबर साफ ना आ जाए। आधे रास्ते से मतलब बाहर? हाँ बाहर रोड से आधे रास्ते से ही मुड़ गया, वो आधे रास्ते से मुड़ के वापिस मुड़ के गया है कि ताकि अपने बाहर के भी कैमरास खंगाले बाहर। हाँ जी, वो आधे रास्ते से ही मुड़ के चले गया, और आते ही उसने देखा कैमरे कहाँ पे है, चार्जिंग पे कितने फोन है, और यहाँ पे कितने फोन है। बाइक का नंबर नोट किया आपने? बाइक का नंबर मैम उसमें साफ नहीं आ रहा है, नंबर तो आ रहा है लेकिन साफ नहीं आ रहा है उसमें। पुलिस को दी शिकायत? पुलिस को कंप्लेंट दे दी है। आपको एक एक बात जी बताइए। ऐसा जी, मैं वो जो है ना यहाँ से गया, सिर्फ 10-12 दुकान आगे से मुड़ गया, जो इसने वीडियो में देखा है, इधर से इधर निकल गया, उसका नंबर नहीं मिला। लेकिन मैं पुलिस वालों का बहुत थैंक यू करूँगा, इंचार्ज साहब का, मैं उनके पास कंप्लेंट लेके गया, उन्होंने तुरंत जो है वीडियो, उन्होंने कहा वीडियो दे दो, वीडियो दी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करके हमारी साइबर क्राइम में लगवाई है। तो साइबर क्राइम से भी फोन आ चुका कि आपकी FIR लॉज कर दी है। तो मैं पुलिस में शिकायत दे दी जाती है और चोरी हो जाती है 25,000 की, दो फोन, एक यहाँ पे ग्राहक का फोन था शायद रिपेयर के लिए यहाँ पे देके गए होंगे, एक इनके बेटे का फोन था, और दोनों ही फोन को बहुत ही शातिराना तरीके से चोरी करके वो चोर जो है फरार हो जाता है। और जैसे ये बता रहे हैं कि CCTV में तस्वीरें कैद होती है, वो पहले मुड़ के पीछे कैमरों को भी देखता है कि कहाँ कहाँ पे कैमरे, फिर उसकी नजर दौड़ती है कि कहाँ कहाँ पे फोन चार्ज है, कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है, फिर मदद करने के बहाने आना। शायद उसको लगा होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बीमार भी लग रहे हैं, सोए हुए हैं, तो इनका शायद उतना ध्यान नहीं होगा, उतने चौकन्ने नहीं होंगे, तो उसने ऐसी चोरी को अंजाम दे दिया। लेकिन आप लोगों से इतनी अपील रहेगी, आपको खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा, जो भी आपकी दुकानें हैं खास तौर पे वहाँ पे कैमरा ज़रूर इंस्टॉल कराइए। कल को कुछ हो जाता, जैसे उस वक्त इनको भी पता नहीं चला, पर कम से कम बाद में इन्होंने जब बैठ के रिकॉर्डिंग चेक करी तो इनको पता तो चल गया कि कौन व्यक्ति आया था जिसने चोरी की है, और उससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं मदद हो जाएगी आगे उनकी तरफ से भी जो तफ्तीश रहने वाले। तो आप लोगों से सबसे पहले यही अपील, और दूसरी बात आप लोगों से इतनी भी अपील रहेगी कि वो व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है और उसको अपनी गलती का पछतावा है तो वो भी जल्द से जल्द आके फोन यहाँ पे लौटा दे जी। मैं एक लास्ट संदेश पब्लिक के लिए देना चाहता हूँ। मैं अध्यात्म और समाज सेवा से क्षेत्र से 40-45 साल से जुड़ा हूँ। मैं पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूँ। पब्लिक आज की जो है बहुत बदल चुकी है, लोग सहयोग नहीं करते एक दूसरे से, कुछ भी कोई घटना हो जाए, हमारे बाजार में कई घटनाएँ हो चुकी हैं, लोग तमाशा देखते हैं, और तो और पुलिस वालों को भी सहयोग नहीं करते, हमें तो करते ही नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी हादसा हो जाए लोग तमाशा देखते हैं। इस बात से मुझे दुख होता है कि अगर आज हमारे साथ ये घटना हुई है, कल को उनके साथ भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ के रहें, एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल, आप लोगों से यही अपील रहेगी, अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, उसको पछतावा है, उसकी नीयत अगर बिगड़ गई थी एक बुजुर्ग व्यक्ति को दुकान पे अकेला पाकर, तो वो जल्द से जल्द फोन लौटा दे, उसको शायद माफ कर ही दिया जाएगा, वो दुकानदारों का फैसला है, लेकिन अपनी गलती मानेगा तो जाहिर सी बात है कि कम से कम पुलिस की जो आगे रहने वाली है उससे तो वो बच जाएगा पुलिस की कार्रवाई से। और दूसरी बात ये है कि आप लोग खुद भी चौकन्ना रहा कीजिए, ऐसे क्या होता है ऐसे लोग जो ऐसी चोरी को अंजाम देते हैं। अब दुकानदार और ग्राहक के रिश्ते ऐसे में खराब होते हैं, अब कल को कोई ग्राहक आएगा वो शक की निगाह से देखेंगे, तो आप खुद ही बताइए ग्राहक अगर वैसा नहीं है तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, इससे इनकी दुकानदारी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग खुद ही चौकन्ने रहिए, बाकी पुलिस प्रशासन से यही अपील रहेगी कि वो भी गहनता से जांच करे। व्यक्ति की तस्वीरें साफ तौर पे कैद है, रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंच चुकी है, तो जल्द से जल्द इस व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इसकी पहचान हो। और आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप में से कोई भी इस व्यक्ति को जानता है, इससे कोई ताल्लुक रखता है, तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। भवनारंग करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।